नमस्कार दोस्तों और मेरे साथियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से वाईफाई स्टडी स्टूडियोज यूट्यूब चैनल पर। मैं अंकित गुप्ता करता हूं आज सभी का स्वागत। सुबह के 6 बज चुके हैं और एक छोटी सी ट्रिक के साथ मैं यहां पर जुड़ चुका हूं आप सभी के साथ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज दिन की शुरुआत हमारी कैसे होने वाली। आज हम एक बहुत ही बेहतरीन यहां पर ट्रिक को सीखने वाले हैं जिसके माध्यम से बैंक और एसएससी के एग्जामिनेशंस में जो इंपॉर्टेंट कप्स एंड ट्रॉफीज होती हैं उनको याद आप आसानी से रख पाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड भी थी। इसके अलावा आप मेरे साथ सुबह 7 बजे जुड़ सकते हैं, कहां पर? वाईफाई स्टडी बैंक एग्जाम चैनल पर। वहां पर हम लोग करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे सुबह 7 बजे, तो आप उस क्लास में भी जुड़ना मेरे साथ मत भूलिएगा। इसके अलावा जी हाँ, सुबह 7 बजे आपको मेरे साथ अगर करंट अफेयर्स में जुड़ना है तो आपको कहाँ जुड़ना होगा मेरे साथ? आपको जुड़ना होगा सुबह 7 बजे मेरे साथ। आप लोग जुड़ेंगे कहाँ पर? वाईफाई स्टडी बैंक एग्जाम चैनल पर। वाईफाई स्टडी बैंक एग्जाम चैनल पर आप लोग मेरे साथ जुड़ेंगे सुबह 7 बजे। किसके लिए? करंट अफेयर्स की क्लासेस के लिए आप जुड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस की, तो वाईफाई स्टडी बैंक एग्जाम चैनल पर सुबह 9 बजे आप लोग मेरे साथ द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस के लिए भी जुड़ सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी डिटेल में हम लोग बहुत सारे आर्टिकल्स को डिस्कस करते हैं और उन आर्टिकल्स के साथ साथ जो महत्वपूर्ण एमसीक्यूज आपके बनते हैं उनको भी हम लोग यहां पर डिटेल में डिस्कस करते हैं, तो ये भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। इसके अलावा अनअकैडमी पर मेरी फ्री क्लासेस चल रही हैं, उन फ्री क्लासेस को यहां पर आप लोग अवेल कर सकते हैं। सुबह 11 बजे आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हैं स्टैटिक जीके के पार्ट 6 के साथ। जी हां, इससे पहले 5 क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट मैं कंप्लीट कर चुका हूं जिसमें प्रत्येक क्लास में 35 से 40 प्रश्नों को मैंने डिस्कस किया है, तो आप लोग भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं सुबह 11 बजे अनअकैडमी पर। आपको मुझे फॉलो करना होगा जो एसएससी वाला जो आपका गोल बनता है, एसएससी वाला जो एग्जाम टारगेट बनता है वहां पर। और इसके अलावा दोपहर में 1 बजे आप लोग ग्रुप डी की क्लासेस के लिए, जो कि रेलवे के लिए आपका बनता है इंपॉर्टेंट सेशन, जहां पर हम लोग जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को आधे घंटे की क्लास में करते हैं डिटेल में डिस्कस, तो इस क्लास में भी आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और इस क्लास में जुड़ने के लिए आपको चैनल पर आना होगा वाईफाई स्टडी, ये आप लोग समझ ही गए होंगे, ये मेन चैनल है आपका। यहां पर आप दोपहर में 1 बजे मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो करंट अफेयर्स की क्लास के लिए सुबह 7 बजे वाईफाई स्टडी बैंक एग्जाम चैनल पर, सुबह 9 बजे वाईफाई स्टडी बैंक एग्जाम चैनल पर द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस, और सुबह 11 बजे अनअकैडमी पर 1 घंटे की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है, कोई भी विद्यार्थी इसे ज्वाइन कर सकता है। स्टैटिक जी के पार्ट 6 डिस्कस करेंगे और ग्रुप डी की क्लासेस के लिए दोपहर में 1 बजे आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बैंक, एसएससी या रेलवे का कोई भी सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं अनअकैडमी पर, उसके लिए आप लोग यहां पर टारगेट 10 कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हां, टारगेट 10 ये इकलौता ऐसा कोड होगा जो कि आपका बैंक, एसएससी, रेलवे सभी एग्जाम में आप लोग यहां पर लगा सकते हैं और आपको वहां पर 10% डिस्काउंट भी यहां पर मिल जाएगा, तो इस कोड के साथ आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन भी परचेज कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज की ट्रिक क्या है जिसे हमें सीखना है, और बिल्कुल बहुत ही कम सेकेंड के अंदर, बहुत ही कम समय के अंदर मैं आपको 5 से 6 महत्वपूर्ण यहां पर कप्स एंड ट्रॉफी सिखा दूंगा कि उनको याद कैसे रखना है, क्योंकि आप सभी ये तो जानते हैं कि एग्जाम में क्या होता है, आपसे क्या पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा कप और कौन सी ट्रॉफी किस एग्जाम से जुड़ी हुई है। तो यहां पर आपको याद रखना है कि जो मैं ट्रिक बताऊंगा वो आपको बैडमिंटन के इंपॉर्टेंट कप्स एंड ट्रॉफीज को याद रखने की ट्रिक होगी, और इस ट्रिक के माध्यम से आप आसानी से इसको सीख पाएंगे। तो बैडमिंटन के कप्स एंड ट्रॉफीज को याद रखने की ट्रिक आप सभी के सामने है। यहां पर आपको एक कहानी के फॉर्म में चीजों को याद रखना है। कहानी के फॉर्म में कैसे याद रखेंगे? आपको एक कहानी याद रखनी है कि बेटा उबेर दीवाने सुर में जरा थम के नाच, ये एक ट्रिक होगी। अब इस ट्रिक को हम लोग अपने डे टू डे लाइफ से भी यहां पर जोड़ सकते हैं। कैसे? आप सभी ने कभी ना कभी बारात का आनंद लिया ही होगा, बारातों में आप लोग गए होंगे। तो बारात में क्या होता है, जब शादी होती है तो वहां पर बहुत सारे लोग डीजे की धुन पर नाच रहे होते हैं। इमेजिन कर लीजिए कि आप, मान लेते हैं आजकल बड़ा चलता है कि ऐसे नागिन डांस बड़ा होता है, तो हम लोग इसको कैसे याद रख सकते हैं? एक व्यक्ति है, आप इमेजिन कर सकते हैं, आप एक बारात में हैं, आप भी डांस कर रहे हैं और आसपास के सभी लोग डांस कर रहे हैं, और इसी बीच में एक व्यक्ति नागिन डांस करने लग जाता है, तो हमें कम से कम 2-2 मीटर की जो जगह है उसके लिए छोड़ देनी पड़ती है, क्योंकि नागिन डांस करने के दौरान वो व्यक्ति कभी भी अपना फन मार सकता है, यानी कि कभी भी वो अपनी हरकतें दिखा सकता है। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहने चाह रहा हूं। मान लेते हैं उस व्यक्ति का नाम है उबेर, तो भैया अगर उबेर नाम के जो व्यक्ति हैं वो दीवाने सुर में बहुत ही मचल मचल के नाच रहे हैं, तो दीवाने सुर का मतलब यहां पर नागिन डांस हुआ। तो आप ऐसे याद रखिए कि उस व्यक्ति को बोलिए कि बेटा उबेर दीवाने सुर में जरा थम के नाच, बड़े आराम से नाचो, पूरा अभी रात पड़ी हुई है, आराम से नाचो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्यों इतना भड़बड़ी मचाए हो भाई, है ना।
तो मान लेते हैं उसका नाम है बेटा उबेर, उबेर बेटा, बेटा उबेर दीवाने सुर में जरा थमके नाच, ये ट्रिक होगी। बस आपको ये लाइन याद रखनी है और आपको 6 इंपॉर्टेंट कप्स एंड ट्रॉफीज आसानी से याद हो जाएंगी। बेटा उबेर दीवाने सुर में जरा थमके नाच, जितने भी विद्यार्थी यहां पर पहली बार जुड़ रहे हैं या यहां पर कॉमेंट बॉक्स में जुड़े हैं, एक बार अपने लिए याद करने के लिए कॉमेंट बॉक्स में से टाइप कर लीजिएगा। मेरा दावा है कि आपको याद हो जाएगा कि बेटा उबेर दीवाने सुर में जरा थमके नाच। ठीक है सर, हमने चलिए मान लेते हैं आपके कहने पर हमने इसको याद कर लिया कि बेटा उबेर दीवाने सुर में जरा थमके नाच। सर इस लाइन को याद करने से हमें कैसे 6 कप्स एंड ट्रॉफी याद होंगे बैडमिंटन की, तो मैं अभी बता देता हूं। मैंने इसे हिंदी में भी लिखा है और इसे इंग्लिश में भी लिखा है ताकि किसी भी विद्यार्थियों के यहां पर कोई भी दिक्कत ना हो। अब आपने बस इसे याद कर लिया है ना कि बेटा उबेर दीवाने सुर में जरा थमके नाच, तो देखिए कैसे आपको याद रखना है बेटा उबेर दीवाने सुर में जरा थमके नाच। तो इसके माध्यम से आपको क्या करना है, सबसे पहला जो शब्द आता है वो आता है बेटा, तो बेटा से कोई भी कप एंड ट्रॉफी नहीं बनती है। बेटा को अगर आप याद रखना चाहें तो बेटा से आप बैडमिंटन याद रख सकते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आप यही भूल जाएं कि ये जो पर्टिकुलर ट्रिक है वह किस पर्टिकुलर गेम की है। अगर आप यही भूल गए तो फिर सारी की सारी जो मेहनत है वो धरी की धरी रह जाएगी। तो बेटा से याद रखिएगा बैडमिंटन, यानी कि आगे हम जितनी भी कप्स एंड ट्रॉफीज डिस्कस करेंगे सभी के सभी बैडमिंटन की कप्स एंड ट्रॉफीज होंगी। सेकंड नंबर पर है आपका उबेर, उबेर से हम लोग क्या याद रखेंगे, उबेर से हम लोग याद रखेंगे उबेर कप, उबेर से उबेर कप, उबेर से उबेर कप, बेटा उबेर, उबेर से उबेर कप, बेटा उबेर दीवाने, दीवाने से याद रखेंगे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण कप बनता है, वो बनता है अमृत दीवान कप, इंडिया में होता है बैडमिंटन के लिए अमृत दीवान कप। तो अमृत दीवान कप, तो दीवाने से अमृत दीवान कप, उबेर से उबेर कप, बेटा से बैडमिंटन, इतना याद हुआ हो तो एक बार यस लिखकर मुझे यहां पर बता दीजिएगा। इसके बाद सुर की बात कर लेते हैं, तो सुर में एक्चुअली यहां पर 2 कप एंड ट्रॉफी बनेंगी। सुर में एस यू से बनता है सुधीरमन कप, एस यू यहां पर भी लगा है, एस यू आपका यहां पर भी लगा है, तो एस यू से बनता है सुधीरमन कप, और बचा हुआ ये रा है यानी कि आर है, आर से याद रखिएगा बनता है आपका रहीम अतुल्लाह कप। क्या बनता है आपका, बनता है आपका रहीम अतुल्लाह कप। मैं यहां पर अलग से लिख देता हूं रहीम अतुल्लाह कप, रहीम अतुल्लाह कप। तो सुर में हम लोग बात करते हैं तो 2 कप एंड ट्रॉफी बनते हैं, सुधीरमन कप और रहीम अतुल्लाह कप, दोनों ही यहां पर महत्वपूर्ण बनते हैं। बेटा उबेर दीवाने सुर में जरा थम, तो थमना पड़ेगा भैया, तो थमना है तो कैसे थमना है बता देता हूं। थम से आपको कौन सा कप एंड ट्रॉफी याद रखने है, थम से आपको याद रखना है थॉमस कप, थॉमस कप कई एग्जाम में पूछा गया, थम से थॉमस कप, थम से याद रखेंगे थॉमस कप। यहां पर इतनी सारी चीजें याद होती हुई चल रही हैं, तो एक बार यस लिखकर बता दीजिए कि यस सर यहां तक सारी बातें क्लियर होती हुई चल रही हैं। थम से क्या याद रखना है, थम से याद रखना है हमें थॉमस कप, थम से क्या याद रखना है, थम से याद रखना है थॉमस कप। तो थम से थॉमस कप ये सर याद हो गया, बिल्कुल याद हो गया। थम के नाच, तो नाच से सर कैसे याद रखेंगे, तो नाच में आपकी 2 कप एंड ट्रॉफी बनेगी। नाच के ना से याद रखना है नारंग कप, नाच के ना से याद रखना है नारंग कप, और चा से याद रखना है आपको चड्डा कप। इस तरह से आपने यहां पर टोटल कितने कप एंड ट्रॉफी याद कर लिए, एक बार फिर से देख लेते हैं। बेटा से बैडमिंटन, बैडमिंटन कोई कप एंड ट्रॉफी नहीं है, ये गेम का नाम है, तो बेटा बैडमिंटन कप पहला हो जाएगा। उबेर कप, उबेर कप, बेटा उबेर, उबेर से उबेर कप, बेटा उबेर दीवाने, दीवाने से याद रखेंगे अमृत दीवान कप। तो 2 कप आपको याद करा दिए मैंने, सुर से आपको 2 कप याद रखने, एक तो याद रखना है सुधीरमन कप, तो सुर से सुधीरमन, और रा से याद रखना है रहीम अतुल्लाह कप। तो यहां पर 2 कप हो गए, टोटल हुए 4। थॉमस, थम से याद रखना है थॉमस कप, तो हो गए 5, और नारंग कप और चड्डा कप, तो टोटल हो गए यहां पर 7। बेटा उबेर दीवाने सुर में जरा थमके नाच, बेटा से बैडमिंटन, बेटा उबेर, उबेर से उबेर कप, बेटा उबेर दीवाने अमृत दीवान कप, दीवाने सुर, सुर से 2 कप एंड ट्रॉफी, सुधीरमन कप और रहीम अतुल्ला कप, सुर में जरा थम, थम से थॉमस कप, थम के नाच, नाच में नारंग कप और चड्डा कप आपके यहां पर बनते हैं। तो 10 सेकंड के अंदर अगर आपको ये ट्रिक याद है तो कोई भी इंपॉर्टेंट अगर आपको कप और ट्रॉफी पूछी जाती है बैडमिंटन में, तो ये 7 कप एंड ट्रॉफी मैंने आपको यहां पर याद करा दी हैं। सभी को याद हुई या नहीं एक बार मुझे कॉमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। इस वीडियो के कंप्लीट हो जाने के बाद इजिली ये ट्रिक याद हो गई हो, सारी बातें समझ में आई हो, तो एक बार मुझे यस लेकर भी बता दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा इस सेशन को अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो। आज के लिए दोस्तों इतना ही, फिर मिलेंगे एक और इसी तरह के ट्रिक के साथ। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।